तो फाइनली जो टेस्ट सीरीज खत्म हो चुकी है यार, वो इंडिया ने अपने नाम कर लिया है और अब शुरू होगा वन डे सीरीज, जो कि मतलब कि वही भी इंडिया में ही है, 17 मार्च से शुरू होगा और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है दोनों टीम्स के लिए, क्योंकि इंडिया के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ऑस्ट्रेलिया के लिए भी इंपॉर्टेंट है, वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं पर आपने वर्ल्ड कप भी खेला है, वहीं विकेट होंगी जहां पर आपने वर्ल्ड कप भी खेला होगा। तो ये ओडीआई सीरीज कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है दोनों मतलब के टीम्स के लिए, वो आपको पता ही है कि उससे उनका ये कहते हैं ना वो गेस्ट लगेगा कि वो उनकी कितनी परफॉर्मेंस है, किस तरह से वो खेल सकते हैं विकेट्स पे, खासतौर पर ऑस्ट्रेलिया वाले, क्योंकि वही विकेट्स होंगे कि जहां पर उन्होंने आगे वर्ल्ड कप भी खेला होगा। लेकिन हर स्क्वाड्स का अनाउंस कर दिया गया है, स्क्वाड्स के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सबसे पहले इंडियन स्क्वाड के बारे में रिव्यू करेंगे और फिर अगली वीडियो में थोड़ा सा ऑस्ट्रेलियन स्क्वाड्स के बारे में रिव्यू करेंगे। सबसे पहले इंडियन स्क्वाड के बारे में अगर आप हम रिव्यू करना शुरू करें तो वहां पर आपको ओपनिंग में देखने को मिलेंगे केएल राहुल और उनके साथ रोहित शर्मा। केएल राहुल पर एक मरतबा फिर जो है वो भरोसा वो उम्मीद जताई गई है, क्योंकि उनको टेस्ट सीरीज जो टेस्ट सीरीज हुई है वर्ल्ड गोस्टर ट्रॉफी, जहां पर उनको कोई इस तरह की परफॉर्मेंस नहीं है और उन पर काफी ज्यादा तनकीद की गई है और बहुत मतलब कि उनके उनकी तरफ से कोई इस तरह की परफॉर्मेंस नहीं आई कि जिस तरह से वो अपने मुहालफिन का मुंह बंद करा सके। लेकिन यार केएल राहुल काफी ज्यादा अच्छे प्लेयर हैं, मतलब आईपीएल में इतना ज्यादा परफॉर्म किया है, वैसे भी इंडियन क्रिकेट के लिए बहुत ज्यादा परफॉर्म किया है, क्या घर में क्या घर से बाहर, तो बहुत ज़्यादा अच्छे प्लेयर हैं। ये वक्त आता है हर एक प्लेयर पे आता है, विराट कोहली पे आया था, अब मतलब कि ग्रीन पे आया हुआ है तो इनको सपोर्ट करना चाहिए कोई बात नहीं, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे प्लेयर हैं। एक बार फिर इनको रखा गया, उसके बाद रोहित शर्मा कैप्टन होंगे, रोहित शर्मा शामिल हैं, उसके बाद शिराज अय्यर शामिल हैं, शिराज अय्यर भी मतलब कि आपको पता ही है कि कितने अच्छे प्लेयर हैं। उसके बाद अगर बात करेंगे तो शुभमन गिल, भाई साहब शुभमन गिल ने अभी जो टेस्ट में जो इनिंग्स खेली हैं इतनी ज़्यादा मतलब कि वो जो सेंचुरी लगाई है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अभी हाल ही में लास्ट मैच में, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे प्लेयर हैं, काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस में होंगे जिस तरह की उन्होंने सेंचुरी लगाई है, तो उनको भी शामिल किया गया है। उसके बाद अगर बात करेंगे तो उसके बाद आ जाते हैं जी सूर्या कुमार यादव स्काई 360। तो भाई साहब ये इनका ये है कि अगर पहले शुरू में विकेट्स गिर जाते हैं और ये सेंटर में आके खेलते हैं और बस ये देखते कोई नहीं है, ये मतलब कि जिस जहां पर फील्ड ऊपर होगी उसी के सर के ऊपर से चौका लगाएंगे छक्का लगाएंगे। तो इनकी बैटिंग भाई साहब वो बहुत, इनकी बैटिंग के साथ खेलना वो आग, इनको बॉलिंग करना वो आग के साथ खेलने के बराबर है, बहुत मतलब कि ऐसे कहते हैं ना कि बंदे को समझ नहीं लगती, बॉलर को समझ नहीं लगती कि मैं कहाँ बॉल डालूँ जब ये अपने मूड में होते हैं। तो उसके बाद अगर बात करें तो विराट कोहली किंग कोहली शामिल है और ये तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में होंगे, क्योंकि जिस तक इनिंग्स के लिए 186 रन की, वो अनफॉर्चुनेटली वो 200 से चूक गए, लेकिन जो इनिंग्स के लिए वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी इनिंग्स खेली। उसके बाद बात करें तो अक्षर पटेल शामिल है, अक्षर पटेल ने काफ़ी ज़्यादा अच्छी बॉलिंग भी की इंडिया के लिए, काफ़ी अच्छी बैटिंग भी की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में, जब जब आपके विकेट्स ऊपर से गिर जाते थे बैटिंग लाइन फ्लॉप होती थी तो अक्षर पटेल रविंद्र जडेजा और रवि अश्विनी बैटिंग करते थे, तो उनमें अक्षर पटेल भी शामिल थे जो अच्छी बैटिंग करते थे, तो अक्षर पटेल को भी शामिल किया गया है प्रॉपर ऑलराउंडर के तौर पर। उसके बाद अगर बात करेंगे तो हार्दिक पांड्या, ये तो अब वर्ल्ड बॉल क्रिकेट अब हम अक्सर खेलने में नज़र आते हैं, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में ये नहीं खेले, बॉर्डर को ट्रॉफी में भी नहीं खेले और पहले भी टेस्ट क्रिकेट से मतलब कि आउट है, अब ये मतलब कि वर्ल्ड बॉल क्रिकेट आपको खेलेंगे और ज़्यादातर तो T20 क्रिकेट खेलते हैं, वन डे भी नहीं खेलते, तो हर वन डे स्क्वाड में इनको शामिल किया गया है हार्दिक पांड्या को, और मतलब कि T20 क्रिकेट जितनी यूएस में कैप्टन भी रहे और अच्छी उनकी कैप्टनसी भी है और इनकी जो कैप्टनसी का परसेंटेज या विनिंग लेवल है वो भी अच्छा है। उसके बाद अगर बात करेंगे तो रविंद्र जडेजा शामिल है, प्रॉपर ऑलराउंडर बैटिंग बॉलिंग हार्दिक पांड्या की तरह, तो वो उन्होंने तो जिस तरह की बॉलिंग किया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलियन बैटर्स के लिए डरावना हाफ बन के साबित हुए, तो देखना ये पड़ेगा कि जब ओडीआई सीरीज स्टार्ट होगी तो क्या ये उसी फॉर्म को बरकरार रख पाएंगे। उसके बाद अगर बात करें तो वाशिंगटन सुंदर को शामिल किया है, वाशिंगटन सुंदर प्रॉपर स्पिनर है, बैटिंग भी कर रहे थे, डेथ में आके जब कभी मौका मिले तो इनको भी शामिल किया गया है, आईपीएल की प्रोडक्ट। उसके बाद अगर बात करें तो भाई साहब लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन वो जैसे कहते हैं ना डिस्ट्रक्टिव ओपनर या वन डाउन आप इनको भेजेंगे, अगर ओपनर आप इनको भेजते हैं तो ये और भी ज्यादा वो डिस्ट्रक्टिव साबित होते हैं दूसरी टीम के लिए। तो ईशान किशन को भी शामिल किया गया, लेफ्ट हैंडेड, ये कद तो छोटा है लेकिन शॉट बहुत लंबे मारता है ये लड़का। उसके बाद अगर बात करेंगे तो जादिन नटखट को शामिल किया है फास्ट बॉलिंग अटैक में, कुलदीप यादव शामिल है स्पिनर में, आप देख सकते हैं कि कुलदीप यादव भी शामिल है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो युजविंदर चहल भी शामिल है स्पिन अटैक में, तो अक्षर पटेल भी शामिल है, रविंद्र जडेजा भी शामिल है, तो बहुत ज़्यादा ऑप्शन है इंडियन टीम के पास, किसको खिलाएंगे किसको रेस्ट देंगे किसको बेंच पर बिठाएंगे, तो ऑप्शन बहुत ज़्यादा हैं। उसके बाद क्योंकि स्पिन में आपको अक्षर पटेल भी स्पिन करते हैं, रविंद्र जडेजा भी स्पिन करते हैं, उसके बाद आपको युजविंदर चहल भी स्पिन करते हैं और कुलदीप यादव भी स्पिन करते हैं, तो आप देखना ये पड़ेगा कि कौन सा डुओ होगा जिसको खिलाया जाएगा। उसके बाद अगर बात करें तो फास्ट बॉलिंग अटैक में उमरान मलिक जो मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छी इनकी परफॉर्मेंस रही है हाल ही में, वो रन्स तो इनको पड़ते हैं, वो कोई शक नहीं कि जब ये पेस देते हैं तो इनको रन्स पड़ते हैं, लेकिन ये विकेट मतलब के निकाल के दे देते हैं अपनी टीम को, वो इंपॉर्टेंट विकेट्स अपने टीम को लेके दे देते हैं, क्योंकि जो पेस होती है ना नेचुरल पेस उसका कोई भी सब्सटीट्यूट नहीं होता, नेचुरल पेस ही होती है भाई साहब। उसके बाद अगर बात करें तो शार्दुल ठाकुर को शामिल किया गया, वो भी फास्ट बॉलिंग में अपने आप का लोहा मनवा चुके हैं, और मोहम्मद शमी को शामिल किया गया है। तो ये जो टीम था ये जो स्क्वाड था जिसको आप मैंने आपके साथ शेयर किया,
ये इंडिया की तरफ से अनाउंस किया गया है। ऑफिशियल स्क्वाड है जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ओडीआई सीरीज में मैदान में उतरेगा, जिसमें मतलब जो उतरेंगे और कोई बेंच पे होंगे, मतलब स्क्वाड ये अनाउंस किया गया है, इन्हीं में से ही खिलाड़ी होंगे जो खेलेंगे। तो मेन जो खिलाड़ी हैं वो मतलब कि रोहित शर्मा शामिल है, विराट कोहली शामिल हैं, तो मज़ा आएगा देखने का। इधर से जो ऑस्ट्रेलिया की स्क्वाड है वो भी मतलब कि बहुत तगड़ी स्क्वाड है, उसके बारे में भी रिव्यू करेंगे अगली वीडियो में। तो हर वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और इस स्क्वाड के बारे में आपका क्या हाल है वो भी आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।